तो हम फाइनली मतलब मुंसारी पहुंचने वाले हैं। यहाँ से 10 किलोमीटर है भाई। उससे पहले एक चीज देख लो, सामने देखो सी व्यू। तो अभी मैं जा रहा हूँ झरने के पास। जब पहाड़ में ना फ्रिज की जरूरत नहीं है, बियर की बोतल अगर ठंडे पानी में रख देगा ना, बियर अभी ठंडी हो जाएगी। क्या वो बोले अभी आप यहाँ पे? अरे बता दो, बादल फटना, इसको कहते हैं बादल फटना। यहाँ पे कैसा आवाज आता है ना, चट्टे वाला। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। सो गाइस, आज के इस ब्लॉग में हम लोग जा रहे हैं मुंशारी, जो कि एक बर्फीली सी जगह है। हम लोग वहाँ जा रहे हैं। तो ऑलमोस्ट मेरी पैकिंग पूरी हो चुकी है। सी मेरा बैग, मेरा ड्रेसिंग, बहुत ही कंफर्टेबल लग रहा है मेरे को इसमें। भाई साहब हमारे यहाँ पे रेडी है फुल टू। ये तो स्लीपर्स वगैरह ये सब पहने हैं। गोलू भाई हमारे फिर स्माइल देते हुए, गोलू भाई अपने बहुत स्मार्ट ही है। चलो गोलू चलते हैं। फिर हम लोग ऐसे निकल रहे अभी। और यहाँ पे मेरी मामी है, मामी निकले भी हम लोग। तो अभी हम लोग नीचे ऑलमोस्ट उतर चुके हैं और तो यहाँ पे आ चुके हैं। भाई को लग चुकी है सर्दी और गोलू भाई यहाँ पे हमें कुछ स्पेशल देने वाले हैं, इसका हम वेट कर रहे हैं यहाँ पे। हाँ पंकज, कल रात से हम वेट कर रहे हैं, कुछ हम लोग को स्पेशल मिलने वाला है, इसके लिए हम लोग यहाँ पर रुके हैं। फिर हम लोग थोड़ी देर पर निकल जाएंगे। ये नीचे जो दिख रहा है इसका नाम है सरदार। वो वहाँ पे हम लोग को जाना है और यहाँ से जो रास्ता दिख रहा है इसी रास्ते से हम गाड़ी लेके जाएंगे। तो देखो हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, निकल गए। अब ये जो सामने गांव आने वाला है, उस गांव का नाम है तिलाड़ी। तिलाड़ी नाम सुनते हैं गोलू का। पंकज यहाँ पे ड्राइव कर रहे हैं, मेरा जूता फटा ना ब्रो, जब फाड़ता हूँ उसके बाद देख। हम लोगों ने 60 किलोमीटर बचाने के चक्कर में ये शॉर्ट वे रास्ता अपना लिया। यहाँ से हम लोग को मुश्किल से 1.5 किलोमीटर ही क्रॉस करना पड़ा, बट उसके लिए उठा उठाई गाड़ी लेके आनी पड़ी हम लोगों को। तो मुझे वहाँ पे वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिला, बट आप ये रास्ता देख सकते हो, पीछे देखो चलने वाला रास्ता है, वहाँ से हम लोग ये गाड़ी लेके आए हैं। अभी हम इसको ऊपर मेन रोड पर लेके जाएंगे। भाई बहुत डिफ़िकल्ट था, दिखने में भले स्कूटी है बट वेट इसका बहुत ज़्यादा ही था, मतलब चलाना बहुत मुश्किल ही हो रहा था यार इसको। हम लोग फाइनली ऊपर आ चुके हैं पुल से। अभी यहाँ पे गाड़ी वॉश हो रही है हमारी, इसकी भर रहे हैं हवा की, थोड़ी हवा कम है। मुंशारी नाम बहुत लंबा है, तो लंबे सफ़र के लिए थोड़ा हवा वगैरह भर के जाते हैं। जाना है तो भाई सेफ्टी के साथ जाना है और अच्छे से। सो गाइस फाइनली हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं। ये जगह देख के हम लोग यहाँ पे रुक गए हैं। भाई देखो यहाँ पे हिमालय से बहती हुई ठंडी ठंडी नदी, देखो वहाँ पे कैंपिंग भी होता है। कैंपिंग आपको दिखाता हूँ, ये इसको बोलते हैं एक्चुअली नेचुरल कैंपिंग। यहाँ पे उन लोगों ने बोट खड़ी है, बोट भी देखो, बोटिंग करने के लिए देखो, कैंपिंग देखो, बहुत से लोग आए भी हैं। इसको बोलते हैं नेचुरल ब्यूटी। सी हम लोग जाएंगे उधर, बट अभी नहीं, अभी हम लोग जहाँ जा रहे हैं वो इससे भी ज़्यादा ब्यूटीफुल जगह है। तो हम लोग निकल रहे फिर अभी, और ये हम निकल चुके हैं। देख सकते हो कितना अच्छा नज़ारा है। मैं पानी भर लेते पीने के लिए। ये पानी नहीं ब्रो, अच्छा है क्या? हाँ पीने का पानी है, जंगल से बहता हुआ ठंडा पानी देखो भरते हुए। ठंडा है, फ्रिज की जरूरत है? ब्रो बहुत ठंडा है। हाँ नहा लेते क्या एक बार? ठंडा है कि नहाने का मन कर रहा है, पर नहाएंगे नहीं। तुम्हें पता है जब पहाड़ में ना फ्रिज की जरूरत नहीं है, बियर की बोतल अगर ठंडे पानी में रख देगा ना, बियर अभी ठंडी हो जाएगी। बॉय सुना क्या, ये सब मेरा नेचुरल पानी है। तो ऐसे झरने बहुत सारे हैं। अभी जिससे बात झरना आने वाला है, वो झरना तो बहुत ब्यूटीफुल है, देखना उसको। भाई मच्छियाँ खा रहे हैं, अरे माँ कैसे मच्छियाँ खाते थे। मच्छी नहीं ब्रो, बकरी है। जिसे आप देखते हो बकरी पोली जा रही है, बकरी पोल के बकरी का बनेगा अभी लगता मटन। और ये
पुल है। तो बेस्ट एडवाइस ये दूंगा कि आप खुद की गाड़ी से आए या फिर बाइक लेके आए, बिकॉज आप जगह जगह रुक के जाओगे और ये जगह एकदम अट्रैक्टिव है यार, मतलब पूरी एक एडवेंचर से भरी हुई जगह है यार, बहुत सही है मतलब यहाँ पे। और अगर आप खुद की गाड़ी से आते हो तो आप जगह जगह पे रुक सकते हो। अब यहाँ पे बिरती फॉल आएगा, हम लोग वहाँ रुकेंगे, देन उसके बाद खलिया टॉप है, वो भी एक घूमने की जगह है बहुत अच्छी, देन फिर मुंशहरी। आके एक क्विटी जगह पे रुक चुके हैं यहाँ पे, यहाँ पे हम रुक चुके हैं क्योंकि हम लोग को लग चुकी है भूख और हम लोग यहाँ पे खा रहे हैं मैगी तो नहीं सर, चाउमीन खा रहे हैं, हमारी चाउमीन ये अंडा चाउमीन है। तो हम टेस्ट करेंगे अभी यहाँ पे नूडल्स। यहाँ से मुंशहरी कितना दूर होगा? यहाँ से मुंशहरी 48 किलोमीटर है। 48 कितना टाइम लग जाएगा? 2 घंटा मान के चलो। नहीं स्कूटी से आए, स्कूटी से 2.5 घंटा मान के चलो। तू समझा? हाँ नहीं तू समझा नहीं, कच्ची रोड ठहरी है, कच्ची तो नहीं ठहरी, ऐसे ठहरी है डामर वाली, कहीं ठोकरों में दाम भी ठहरा। हाँ ये हम हमारे भाई लोग से मिले हैं, यहाँ के मौसम क्या रहे बता सकते हो? मौसम तो वैसे कभी कभी शाम को ख़राब हो रहा है, वैसे हो गया बारिश हो रही है कि नहीं? हल्की फुल्की हो रही है, ठंडी तो बहुत हो रही होगी, क्यों ठंडी हो रही है? ठंडी हो रही बहुत ज़्यादा। यहाँ से निकल रहे हैं, चलो फिर बाय बाय, मिलते हैं बाद में। तो अभी चाउमीन खा के थोड़ी एनर्जी आ गई है, अभी हम निकलेंगे। इसको आपको कैसा लगा यहाँ का चाउमीन? एक नंबर महंगा होट चल गया, मतलब स्पाइसी भी था, बहुत टेस्टी था, मतलब मज़ा आ। आपने तो इतना सॉस भर दिया कि बोलो ही मत, सॉस तुम्हारे से ज़्यादा बढ़ गया था, मेरे से भी ज़्यादा बढ़ गया था। अब वो भी खाना है तो यहाँ के चाउमीन खा सकते हो, हरीश रावत जी का, रावत जी की दुकान से आप खा सकते हो, बहुत ही प्यारा होटल है, टेस्टी बना उन्होंने। अब हमें चढ़ना है ये पहाड़ों में, हम ये ऊपर तक जाएंगे, ऐसे ही जुड़े रहो। जन्नत यहाँ है यार, सीधा पुल यार, डिजाइन कारीगरी दिखाई है, कौन है ये कारीगर, इसने बनाया मोहतमा, दूसरा पुल तो सब ये है।
सामने रहा अमृति फॉल। कुछ ही मिनटों में हम पहुंचने वाले हैं वहां। बेस्ट व्यू पॉइंट ब्यूटीफुल, ऐसा लगा कश्मीर में आ गए हम लोग ना। बस अभी हम लोग जा रहे हैं पर बिरती फॉल को, यहाँ पे कट रही है पर्ची। पहाड़ी लोग के लिए भी 20 रुपये है क्या? पहाड़ी लोग के डिस्काउंट होना चाहिए यार। तो फिर अभी हम लोग ऊपर के जा रहे हैं, चढ़ रहे हैं पास से रास्ता, देखो कैसा है जाके भी आ रहे। लेकिन है अच्छा लोग दूर दूर से आ रहे हैं देखने के लिए। हम तो बहुत ज़्यादा ही दूर से आए हैं। कितनी दूर से आए हम लोग? हम आए मुंबई से। मुंबई से आया मेरा दोस्त बिरती फॉल देखने। बिरती फॉल सॉरी, चढ़ाई जो कि बना रखी है, इतनी शॉर्टकट है यहाँ से। जब आजकल चार्जेबल कर दिया है तो बोल रहा है 1.5 साल हो गया चार्जेस का, तो पहले सब फ्री था। देखते हैं ऊपर जाके। भाई मौसम तो ऐसा हो रहा है ना इधर, कब बारिश हो जाए, खतरनाक वाला। चलो ऊपर पहुंच के आते हैं कंटिन्यू। ठीक है, बिरती फॉल देख सकते हो यहाँ पे, इतना मस्त झरना बह रहा है। ऊपर देखो भाई, बाप रे, उधर है हिमालय पर्वत, जहाँ भी जाएंगे हम लोग। रास्ता बहुत खतरनाक है, थक के हमारी हालत ख़राब हो चुकी है, बहुत ज़्यादा थकाई लग गई यार। मेरे तो पीछे बैग 50 किलो का बैग हो रहा है, 10 किलो के जूते हो रहे हैं। जलवा है हमारा, मतलब बहुत वेट हो गया है। ये रास्ता है, ऐसे नहीं उतरेंगे अभी हम लोग। मेरे पीछे आप जो देख रहे हो ये है बिरती फॉल। 5-6 बार तो नाम ले लिया, बहुत ही मजा। दाल भात तो खा के आए हैं। हाँ, चाय पकौड़ी दाल भात मेरे यहाँ पे खाएगा। तो अभी मैं जा रहा हूँ झरने के पास। तो अभी मैं जा रहा हूँ झरने के पास, जो जिसको बोलते हैं बिरती फॉल वाटरफॉल। देखिए इसके आप देख सकते हो, इसकी जो हाइट है मतलब उसका अनुमान आप इस वीडियो से लगा सकते हो, कितना लंबा है मतलब कितनी हाइटेड है मतलब इसकी। और ऊपर से इसका जो झरने का तेज पानी आ रहा होता है भाई, बहुत ही ज़्यादा मतलब बोलते ना अलग ही फीलिंग है उसकी। मतलब पास आप जब जाओगे तो आपको एक अलग ही एहसास आएगा, एकदम नेचुरल पानी रहता है जो एकदम हिमालय पर्वत से बहते हुए आता है। आप ऊपर को देख सकते हो इसकी हाइट कितनी है, मतलब इसकी सीधे देख सकते हो ऊपर, इतने ऊपर से नीचे पानी बहते हुए आ रहा होता है।
और ये मुनस्यारी से कुछ पीछे है, मतलब ज़्यादा दूरी नहीं है, कुछ 20-22 किलोमीटर की दूरी में पीछे है आपके। अभी मैं जा रहा हूँ नीचे की तरफ और यहाँ पे बिकॉज पत्थरों में बहुत ज़्यादा फिसलन है। अगर आप पिथौरागढ़ का प्लान बना रहे हो तो एक बार मुनस्यारी ज़रूर आना और ये बिर्थ फॉल का मज़ा पक्का लेके जाना, क्योंकि यहाँ एक अलग ही एहसास है, अलग ही नेचुरल ब्यूटी है यार यहाँ की मतलब। और ठंडी भी उतनी है तो पैकिंग करके वैसे ही निकलना जैसे मैं निकला हूँ। मेरा बैग आप देख रहे हो कितना भरा हुआ है, सब कपड़े हैं भाई उसमें वहाँ पहनने वाले। तो अभी देखो जो पानी आपको दिखा रहा हूँ एकदम नेचुरल है। अभी मेरे मोबाइल में ना बैटरी भी बहुत कम है तो अभी मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। आएगा ब्लॉग कंटिन्यू रखूँगा, बट आपको स्किप नहीं करना है, कंटिन्यू देखना है। तो हम लोग आए थे बिर्थ फॉल घूमने के लिए, तो यहाँ पे मुझे कुछ खा लिया, तो कैश का थोड़ा शॉर्ट था, गूगल पे चल रहा था, तो इनने बहुत हेल्प किया मुझे कैश में, थैंक यू। आपकी दुकान यहाँ पे कितने टाइम से है? हो गया सर एक साल हो गया। जो भी मेरे भाई लोग मुंबई से या कहीं से भी देख रहे हो, उत्तराखंड से जहाँ भी देख रहे हो, यहाँ पे जरूर आना। इनके हाथ की मैगी खाना, मैगी बहुत टेस्टी है इनके हाथ की, ज़रूर आना। और चाय तो इनकी बहुत सुपर्ब है। हम खा पी के भी जा रहे हैं, मेरे वाले है बैटरी नहीं थी इसलिए ब्लॉग नहीं बनाए, बट इनके पास आप पक्का आना, ठीक है? चलो देख रहे भाई। बंदर लंगूरी लंगूर बंदर भी नहीं है। समझना ये बच्चा इसलिए रख रहा हूँ ताकि ये गिद्ध और कौवे हमारे लंगूर को ना खाए। यार अभी सीन ही हो गया, किसी गाड़ी वाले ने ठोका या पता नहीं किसी क्या हुआ, एक लंगूर की मौत हो गई। बीच रोड में पड़े थे तो यहाँ से उठा के मैंने वहाँ पे बोला थोड़ा थोड़ा उनको गड्ढे में डाल दिया है, ऊपर से पत्थर रख दिए ताकि जानवर वगैरह उसको खा ना सके, तो भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। तो अभी हम चलते हैं मुनस्यारी। तो हम फाइनली मतलब मुनस्यारी पहुंचने वाले हैं, यहाँ से 10 किलोमीटर है भाई। उससे पहले एक चीज़ देख लो, सामने देखो सी व्यू देख रहे हो, बर्फ़ हिमालय जिसको बोलते हैं हिमालय, देखो पूरा मतलब पूरा बर्फीला है यार, पूरा बर्फ़ का पहाड़ है, मतलब इधर पूरा इतनी बर्फ ही बर्फ़ है। और हम लोग की जो मतलब जो मेरी यहाँ पे हालत हो रही है मतलब बहुत ख़राब, 129 किलोमीटर मैंने गाड़ी चला दी है मतलब अभी तक। बाप रे बाप, हालत बहुत ख़राब हो चुकी है यार, बहुत ज़्यादा हमें ठंड भी लग चुकी है और काफ़ी मज़े आ रहे हैं मतलब हम लोग को यहाँ पे। अब नीचे हम लोग जब उतरेंगे तब तो और भी ज़्यादा मज़े आएंगे। इससे पहले हम भाई की हालत दिखाते हैं कैसी हुई है, कैसे लग रहा है आपको? बहुत ठंड है ब्रो। हाँ ऐसी ठंड का एहसास फर्स्ट टाइम कब हुआ था? कितना हो रहा है? 4 बजने लगा, 4 बजे इतनी ठंड है कि बोल मत। ऐसी ठंड के एहसास कब हुई थी आपको लाइफ में? फर्स्ट टाइम ना, इनका फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है वहाँ, इनको इतनी ठंडी लगी है, इतनी ठंडी जो कोई हिसाब ही नहीं। अभी हम लोग धीरे धीरे पड़ेंगे नीचे को, उससे पहले ये पूरा जंगल देख लो भाई। अरे ये जो भाई ने दिखाया था हिमालय पर्वत, ये देखो हिमालय पर्वत, ये देखो भाई, ये एक सॉरी मेरी उंगली कहाँ गई, 1, 2, 3 और 2 पर्वत अभी दिखने, इनको बोलते हैं पंचाचोली, मतलब 5 पर्वत हैं तो उनको बोला जाता है पंचाचोली पर्वत। ये देखो ये पर्वत है, इस पंचाचोली पर्वत घूमने आए हैं हम दोनों जन, तो हम लोग अभी निकलेंगे यहाँ से, निकलते हैं अभी थोड़ी देर में। तो भाई फोटो शूट कर रहे हैं, तब तक मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो। चलो फिर निकले। हम लोग यहाँ मुनस्यारी पहुँच गए थे ऑलमोस्ट, तो यार बारिश शुरू हुई है वो तगड़ी वाली, बहुत खतरनाक बारिश हो रही है भाई हमारे यहाँ, मतलब हम ऑलमोस्ट थोड़े थोड़े भीग चुके हैं, मैं तो भीग गया हूँ थोड़ा थोड़ा, देख चुके हैं।
अरे अभी फिलहाल ये देखो तो ऑलमोस्ट गाड़ी रुक चुकी है, हम उन्होंने निकलेंगे। क्या वो बोले अभी आप यहाँ पे? अरे बता दो, बादल फटना, इसको कहते हैं बादल फटना। यहाँ पे कैसा आवाज आता ना, चट्टे वाला कितनी 300 बकरी एक बार में, 300 बकरिया मरे हैं यहाँ पे। इधर ही होता है ना मुंशहरी में, मुंशहरी में नहीं होता है सब जगह, हमारे वहाँ मतलब केसेस कम पाए गए। हाँ केसेस कम पाए गए, केसेस कम पाए गए, मतलब 100 में से एक बार हो गया तो हो गया ऐसा लगता है। पर अभी देखा मैंने उधर बहुत जोर से आवाज आई फाट फटने की। देखा अपने भाई अभी बादल फटाए, ऊपर बादल फटाए और यहाँ तक मतलब बिल्कुल उधर बहुत जोर की आवाज आई बहुत। अभी भाई साहब फोन में बात कर रहे थे, बिल्कुल मैसेज ही हुआ मतलब बादल फटने का। अरे वाह, उसके भाई तरह फिर भी तुम्हारा भाई ब्लॉग बनाएगा, उनको दिखाएगा। आप देख सकते हो भाई तो बहुत ज़्यादा ठंडी है भाई, फटी भाई हमारी ठंडी तो है साथ साथ देख सकते हैं जोरों से बारिश हुई है। तो गाइस हम लोग मुंशहरी मार्केट पहुंच चुके हैं और यहाँ पे ठंडी इतनी ज़्यादा है, मुंशहरी का फील्ड है। बाप रे बाप, बहुत ज़्यादा ठंडी है। ये कैसा काप रहा है देखो भाई, चल जाते सामने पूरा बर्फ का मतलब बोलते हैं पूरा पहाड़ी है। पूरी रोड गीली हो चुकी है, ऊपर गेटिंग में ऊपर देख। ये हम आ चुके हैं मार्केट में, रेजिडेंशियल एरिया में आ चुके हैं। यहाँ पे होटल्स एंड ऑल किसी को लेना है तो ले सकते हैं। हम पहुँच गए स्टेशन में, क्यों ब्रो? तो हम लोग मुंशहरी पहुँच चुके हैं, मुंशहरी पहुँच के हमारे ड्रेसिंग आप देख सकते हो भाई, जैकेट विकेट विदाउट जैकेट यहाँ बाहर निकलना इम्पॉसिबल है ब्रो, बिकॉज ऑफ बहुत ठंडा है। देखो मुंबई का क्या हालत है इनकी, कैसा लग रहा है तुमको? बहुत ठंड है ना, ठंड का रीज़न क्या है? ठंड का रीजन ये है, ये है ठंड का रीजन भाई। देखो कितनी बाप रे बाप बर्फ ही बर्फदारी, बर्फीले पहाड़ इतने। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ बारिश होती है, बादल भी फटा था। ये ओम पर्वत है, ये हमारा भाई हमारा ब्लॉग खराब करेंगे। सामने ओम पर्वत है, थोड़ा हरियाली बहुत है इस गांव में तो इसके लिए थोड़ा। तो फिर अभी हम लोग नीचे को जा रहे हैं घूमने, तो ठीक है ब्लॉग देखते रहो। तो अभी होने वाली है शाम और बढ़ रही यहाँ पे ठंड, तो आज का ब्लॉग हम इधर ही ख़त्म करेंगे। आई थिंक आपको बहुत मज़ा आ रहा है ब्लॉग देखने में, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो, ठीक है? देखते रहो नेक्स्ट ब्लॉग, कल जो आने वाला है बहुत मस्त ब्लॉग है, ठीक है? तो अभी के लिए बाय।